एक अच्छी बॉडी कौन नहीं बनाना चाहता है, लेकिन आज का समय ऐसा है कि सभी लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि हम अपने वर्कआउट के लिए, अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। आज का ये वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको इतने आसान तरीके से वर्कआउट्स बताऊंगा जो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आपको डंबल की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। ये सारी एक्सरसाइज आप अपने घर में कर सकते हैं और एक अच्छी बॉडी के मालिक बन सकते हैं। एक सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जैसे हमारा शोल्डर हो गया, बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, लेग्स हो गए, एब्स हो गए, चेस्ट हो गए, बैक हो गए। ये कुछ ऐसे बड़े बॉडी पार्ट्स हैं जिनको अगर हम ट्रेन करते हैं तो हमारी बॉडी घर में ही बन सकती है, हमें जिम जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे हम वार्म अप, क्योंकि वार्म अप करना बहुत जरूरी है। वार्म अप करने से हमारी बॉडी में गर्मी आ जाती है और हम और जो एक्सरसाइजेस करने वाले हैं उसमें हमें मदद मिलती है। सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लेग्स की। लेग्स की एक्सरसाइज करने के लिए हमें घर पे ही बहुत आसान तरीके से स्क्वैट्स कर सकते हैं। स्क्वैट्स करने से हमारा जो लेग है वो काफी स्ट्रांग होता है और अगर आप लंबे समय तक इसको करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं, जो लेग मसल्स हैं, वो भी काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा हमारा बॉडी पार्ट है वो है चेस्ट। आप अपने घर पे ही चेस्ट वर्कआउट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, पुशअप्स करने हैं, नॉर्मल पुशअप्स ही करने हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर आप पुशअप कर रहे हैं तो आपको अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर से दूर रखना है, मतलब दोनों हाथों को थोड़ा सा फैलाव में रखना है और इस तरह का आपको जो पोस्चर है वो परफॉर्म करना है और आपका चेस्ट कुछ ही दिनों में बन जाएगा। उसके बाद में जो अगली एक्सरसाइज की हम बात करते हैं वो है एब्स। एब्स वर्कआउट बहुत जरूरी है। अगर आपकी बहुत अच्छी बॉडी है और आपका पेट निकला हुआ है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एब्स का वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी है। एब्स वर्कआउट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जमीन पे लेट जाना है और कुछ इस तरीके का मोशन आपको परफॉर्म करना है। ध्यान रखिएगा, इस मोशन में आपको अपना जो पेट है, अपना जो एब है, उसको टाइट रखना है। उसके बहुत सारे वेरिएशन भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं जिससे आपका एब्स बहुत ही अच्छा निखर कर आएगा और आपकी एब्स मसल काफी स्ट्रांग हो जाएंगी। उसके बाद जो अगला बॉडी पार्ट है वो है ट्राइसेप्स। अगर आप एक बड़ा आर्म चाहते हैं तो आपको ट्राइसेप को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। ट्राइसेप ट्रेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पुशअप कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायमंड पुशअप। इसमें होता क्या है, इसमें आप अपने दोनों हाथों को बहुत ज्यादा नजदीक लाके डायमंड शेप बनाते हैं और इस तरीके का कुछ मोशन परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे ट्राइसेप को हिट करता है। और उसके साथ में अगर आप चाहें तो आप कोई चेयर रख के उस पे इस तरीके का मोशन परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हमारी ट्राइसेप मसल को बहुत ही जल्दी बिल्ड करता है। वर्कआउट करने के साथ में मसल्स ग्रोथ के लिए हमारी डाइट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लोग फूड खाएं उसमें आप लोग हाई प्रोटीन रखते हैं तो आपकी मसल्स ग्रोथ तेजी से होती है और इसी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो हमारी मसल्स ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, जैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो अगर आप लोग अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग कपिवा का हिमालयन शिलाजीत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका टेस्टोस्टेरोन तो बूस्ट करता ही है, साथ में आप लोग की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना को इंप्रूव करता है, उसी के साथ में आपका लिबिडो एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी ये बढ़ाता है। बहुत ही पुरानी एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं शोधन, उस प्रोसेस के थ्रू ये निकाला जाता है, ये सोर्स किया जाता है शिलाजीत, तो ये पूरी तरीके से नेचुरल होता है। अब कैसे इस्तेमाल करना है आप लोगों को कपिवा का हिमालयन शिलाजीत, मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसके आप लोग को 1/4 चम्मच आप लोगों को इस्तेमाल करना है हल्के गर्म दूध में, या फिर आप लोग पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसमें आप लोग को 5 सेकंड अगर आप लोग मिलाओगे तो अच्छे से ये मिल जाएगा और इसको आपको इस्तेमाल कर लेना है। ये जो शिलाजीत है ये GMP सर्टिफाइड लैब्स में प्रोसेस होता है और उसी के साथ में ये आयुष के अंडर लाइसेंस्ड है, तो मतलब हम जो कंज्यूम करेंगे इसको तो ये हमारे लिए पूरी तरह से सेफ है। मैं आप लोगों को कपिवा के हिमालयन शिलाजीत का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैक की, आपको अपने बैक को कैसे ट्रेन करना है। बैक ट्रेन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप कर सकते हैं पुलअप्स। पुलअप्स हमारी बैक को एक वी शेप देता है और हमारी बैक को काफी मजबूत करता है।
उसके बाद में अगली एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, जो कि है शोल्डर एक्सरसाइज। शोल्डर हमारी बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा है। शोल्डर ट्रेन करने के लिए जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें आपको डंबल की जरूरत नहीं है, वो है शूडो प्लैंक पुशअप। इस पुशअप में करना क्या होता है, आपको नॉर्मल पुशअप की तरह ही करना होता है, बस इसमें आपको जो आपका आगे का पोर्शन, जो आपका अपर बॉडी पार्ट है, इसको थोड़ा सा आगे ले जाना होता है और कुछ इस तरीके का मोशन परफॉर्म करना होता है। इसमें जो मेन आपका जो काम करने वाला हिस्सा होना चाहिए वो शोल्डर होना चाहिए। आपको जो दम लगाना है वो अपने शोल्डर से लगाना होता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की, जो कि है बाइसेप की एक्सरसाइज। बाइसेप को भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है। बाइसेप हमारा सबसे मोस्ट विजिबल हिस्सा होता है हमारी बॉडी पार्ट का। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चिनअप्स कर सकते हैं। जैसे हमने आपको पुलअप्स के बारे में बताया था जो हमारी बैक को ट्रेन करता है, वैसे ही जो चिनअप्स होते हैं ये हमारी बैक को तो थोड़ा मोड़ा ट्रेन करते ही हैं, साथ में हमारे बाइसेप को बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं। तो अगर आप एक बड़े डोले चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके का मोशन परफॉर्म कर सकते हैं और आपके जो डोले हैं वो कुछ ही दिन में काफी उभर के आएंगे और आपकी बॉडी बन जाएगी। ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज थी जो आप बिना किसी डंबल के, बिना किसी जिम मेंबरशिप के कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हो कि रोज अगर आप लोग पुशअप्स करते हो तो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा।